सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की ऑडियो प्रार्थना है, और चाहे प्रार्थना ऑडियो हो, चाहे वीडियो में हो, चाहे लाइव हो, प्रार्थना प्रार्थना होती है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में शांति लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर ने वो वचन दिया है जो आपकी लाइफ में शांति लेके आएगा। देखो, शांति का महत्व बहुत बड़ा है। लाइफ में कितना पैसा हो, खाना पीना हो, कपड़े हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में शांति नहीं है तो सब धरा का धरा रह जाता है। खाना कितना अच्छा बना है, नहीं घर में कलेश है, या मन उदास है, या मन अशांत है, तो ना खाने में मन लगेगा, ना पहनने में, ना कहीं जाने में, क्योंकि मन की उदासी से क्या हड्डियां भी क्या हो जाती है, सुकड़ जाती है। लेकिन जब मन चमकता है तो मेरे अजीजों, पानी भी मीठा लगता है। हालेलुया। आज प्रभु आपको वो शांति देने वाला है। देखो, दुनिया जो शांति देती है, एक घंटे की शांति होगी, एक दिन की शांति होगी, शांति क्या, हम आपके साथ बस यही बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा। बल्कि मेरा और आपका यीशु मसीह कहते हैं सब ठीक कर दूंगा, वो हमारे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं सब ठीक कर दूंगा। दूसरा, जब हम अशांत होते तो शांति पाने के लिए शैतान हमें नए नए तरीके देता है। पाप कर ले, किसी से बात कर ले, ड्रिंक कर ले, या गेम खेल ले, यानी कि दिमाग को बटा, कहीं फिल्म देखने चले जा, वो भी शांति कितनी देर की होती है, एक घंटे दो घंटे, उसके बाद ज्यादा विपत्ति आती है। शांति बहुत जरूरी है, यीशु मसीह को भी पता था। और बिना शांति के हम वचन भी नहीं पढ़ सकते, हमारा मन व्याकुल रहता है, हमारा मन भटका रहता है। और जब हमारे जीवन में शांति आती है, जब हम वचन को भी समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं, तो आज प्रभु ने यही वचन दिया है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में शांति लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है यूहन्ना 20 अध्याय, उसका 19 से पढ़ूंगा, जरा समझना क्या लिखा है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। क्यों कहा यीशु मसीह? जब यीशु मसीह को पता था यहां पे सब अशांत थे इस समय, क्योंकि डरे हुए है। डर अशांत को लेके आता है, डर के कुछ नहीं होता। चेलों को डर था कि अब हमारा क्या होगा, यीशु मसीह चले गए, अब हमारी लाइफ में भी कठिनाई आएगी, दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं हमारा नंबर भी ना लगे। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहले क्या कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। ये कहकर उसने अपना हाथ और पंजा उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित, तब हुए आनंदित, कब, जब उनका डर खत्म हो गया, उनकी जिनमें शांति आई। तो आज प्रभु का वचन कहता है तुम्हें शांति मिले। फिर यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसी मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। ये कहकर उन पे फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। चेलों को अधिकार दिया गया, आज वही अधिकार आपको मिले, शांति आपको मिले। आज हो सकता है कि सब कुछ आपके पास हो, लेकिन आज कहीं ना किसी बात पे आपका जीवन अशांत में है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ आज इस वचन के द्वारा पिता, आज मैं आपके नाम से घोषणा करता हूँ, इन सभी के जीवन में शांति आए, आपकी शांति आए पिता। मनुष्य जो अशांत है इस समय, कोई भी, उसको आपकी शांति की जरूरत है, और आपकी शांति आ गई, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you। जय मसीह की। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।